हेलो मानव लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू द चैनल वी आर ऑन द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 द क्वेश्चन सेज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर सो एक कॉर्ड है सर्कल की जिसका रेडियस सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का सेंटर पे फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ठीक है सेक्टर नहीं सेगमेंट है सो so फिगर बना लेते हैं एक सर्कल है ठीक है एक कॉर्ड की बात करी गई है एंड वो एंगल बना रही है सिक्सटी डिग्री का ठीक है यहां तक क्लियर है रेडियस कितनी है फिफ्टीन गिवन है ओके सो ये हमने छोटी सी फिगर बना ली हमें क्या निकालना है पहले निकालेंगे हम माइनर सेगमेंट अगेन इससे पहले जो क्वेश्चन करके आए हैं उसमें ये सेम चीज करी हुई है हमने तो क्या करेंगे सेक्टर का एरिया निकालेंगे उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया हमारा कैसे निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर अरे अरे सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है जी सो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इन टू आर स्क्वायर ठीक है ये फॉर्मूला लगा दिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल यहां पे कौन सा है अगर एंगल 60 डिग्री so, का दैट मींस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मुला होता है अंडरवुड थ्री अपॉन फोर साइड स्क्वायर

इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं रूट थ्री अपॉन फोर इन टू साइड क्वेश्चन में तो, तो हमारे पुट नहीं थी बट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है तो हम वैल्यू भी पुट कर देंगे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा सिक्स से थर्टी सिक्स कैंसिल करेंगे ये आ गया सिक्स एंड अगर हम इसको थ्री के टेबल से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा टू ये हमारे पास हो जाएगा फाइव एंड देन टू और इसको कैंसिल करेंगे so आ so हमारे पास बचा वन पॉइंट फाइव सेवन इंट फाइव इंट फिफ्टीन माइनस रूट थ्री की वैल्यू क्या दे रखी है हमें थ्री अपॉन में फोर इंटू फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन ठीक है नाउ आई एम यूजिंग अ कैलकुलेशन कैलकुलेटर ताकि यहाँ पे टाइम सेव हो सके बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आई नो आपको लग रहा होगा मैम तो फटाफट फड़ कैलकुलेटर से कर देती है हमारे साथ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है बट द थिंग इज अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ कर भी दूंगी उससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होगी आपको तो खुद ही कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो टू सेव आ टाइम्स हम फटाफट से वीडियो को करते हैं ये हमारे पास आ गया वन वन सेवन पॉइंट सेवन फाइव सॉरी पॉइंट

ठीक है दो डिजिट तक की एक डिजिट तक की ले रही हूं मैं इसको is equals to तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सो अभी हमने निकाला है सिर्फ माइनर सेगमेंट का एरिया अभी हमें मेजर सेगमेंट का भी निकालना है तो so, सिंपल है पूरे सर्कल में से अगर हम ये माइनर सेगमेंट हटा दे तो बाकी सारा हमें मिल जाएगा स्कॉट के अलावा जितनी उस साइड है सारा हमारा मेजर सेगमेंट है तो पूरे सर्कल में से ये वाला पार्ट हम हटा देंगे मतलब ट्वेंटी पॉइंट फोर फाइव माइनस कर देंगे तो स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ आर मेजर सेगमेंट कंफ्यूज नहीं होना लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था सेगमेंट नहीं था उसमें सेक्टर था मेजर सेक्टर था तो हमने पूरे सर्कल में से ये वाला पार्ट हटा दिया था क्योंकि हमें सेक्टर निकालना था इस टाइम हमें मेजर सेगमेंट निकालनी है मतलब जैसे ये सर्कल है ये इसकी कॉर्ड है ये पार्ट आप निकाल चुके हो माइनर सेगमेंट था ये पूरा पार्ट इसका मेजर सेगमेंट होता था तो मतलब पूरे सर्कल में से सिर्फ वो वाला पार्ट जो हमने अभी निकाला है वो करना है हमें माइनस ठीक है चलो सो वी हैव एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ठीक है माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करना है सो so, ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी निकाला था ट्वेंटी पॉइंट फोर फाइव ओके सो पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है थ्री पॉइंट वन फोर लेनी है देख लो मैं एक बार गिवन थी ना हाँ वैसे भी हमने यूज करी थी ठीक है सो so,

कि निकालना कैसे है बाकी यहाँ तक पहुंच जाओगे तो सिर्फ कैलकुलेशन बचेगी सो so, ये हमारा आ गया मेजर सेगमेंट का ये ही दो चीजें निकालनी थी माइनर सेगमेंट भी निकाल दी हमने उसका एरिया भी और मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड कर दिया वॉज सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन दी ने सी नेक्स्ट बाई